तो मैं गई हुई थी तो मैंने घर आके देखा, लेकिन आज तो बच्चों ने हद ही कर दी। चटपटे कराने छोले गरम मसालेदार। हमने अपने अभी तक भिंडियाँ नहीं काटी, मैं हो गई भी आ गई, हमने ने भिंडियाँ नहीं काटी। मैंने कहा था भिंडी काट लेना। जाओ खाना पीना वाला और पवे वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जो है ना जुम्मतुल मुबारक है, तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुम्मे के सदक़े जो है ना हम सबकी परेशानियों को, मुश्किलों को आसान फरमाए, और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो जो मेरे प्यारे बहन भाई मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे, सब लोग जो है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सो आमीन। तो इसी दुआ के साथ अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो सब बच्चों को नाश्ता करवा दिया, और अब जो है ना अपने हस्बैंड को भी नाश्ता बना के दे दिया मैंने। तो आज भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन लाइट जब जाती है ना तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस होने लग जाती है। तो लाइट भी अभी फ़िलहाल गई हुई थी, तो साथ साथ में मैंने नाश्ता भी बना लिया, और उसके बाद जो है ना चाय भी बनाने के लिए रख दी। तो गर्मियों में जो सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो इस टाइम कुकिंग का ही होता है, क्योंकि वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, पंखे वगैरह के नीचे तो बैठ के इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन जब चूल्हे वगैरह का काम करो ना तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। लेकिन अब क्या करें, काम भी सारे करने हैं, तो बस नाश्ता वगैरह बना के करवा के जो है ना मैंने साथ ही बर्तन वगैरह जमा किया। तो माशाल्लाह से बर्तन भी आज बहुत ही ज़्यादा जमा हुए हैं, तो सारे बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया बर्तन धोने में। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है ना सारे बर्तनों को मैंने सुखाने के लिए रख दिया, और उसके साथ ही फिर जो है ना चूल्हे वगैरह की सारी सफाई की, किचन की सारी सफाई की, और इसके साथ ही जो है ना इन बर्तनों को समेटने में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो आज सुबह को जो है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने ब्लैक चने जो है ना ये भी भिगो के रख दिए थे, क्योंकि इनको भी 3-4 घंटे जब तक भिगो ना ये सही तरह बॉयल नहीं होते। तो बस सारी सफाई वगैरह करने के बाद जो है साथ ही मैंने प्रेशर कुकर में इनको भी बॉयल करने के रख दिया, उसके साथ साथ जुमे की भी तैयारी कर ली, क्योंकि जुमे का टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। चने जो है वो बॉयल हो रहे हैं, आ गई है फ्रेश होके, अचानक से ना बादल आ रहे हैं, लाइट भी जो है जाने वाली है, और नमाज पढ़ने लगी हूँ जोहर की। ज़ैनब इधर क्यों बैठी हो, स्टूडियो में गिर जाओगी? विशाल ने पौनी बना ली, चलो आप उधर बैठो मैं नमाज पढ़ लूँ। आ गई हमारी तस्वीर और खजूरे। ये तस्वीर भी करनी है आपने, और पानी भी पीना है। अभी ना खोलो इसको, नमाज पढ़ लो पहले। क्या हुआ? तस्वीर को मुंह में नहीं डालते हैं अब। चलो ये तस्वीर दे दो मुझे ना, अपनी मर्जी के लोग ले रहे। चलो ये तस्वीर मुझे दे दो, पकड़ो पानी खाओ से। ये अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। किरण भी आ गई है, चलो तस्वीर तो मुझे तस्वीर दिखाना। ऐसे तो हमारे पास भी है पानी, दिखाओ। विशाल पानी लेके खड़ी हुई है, विशाल दिखाना, मैंने भी पीना है। अच्छा चने जो है ना हमारे बॉयल हो गए, तो आज जो है ना मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे चना चाट बना रही हूँ। तो जिसके लिए जो है ना मैंने सारी चीज़ें वगैरह भी कटिंग कर ली, खीरा टमाटर, और उसके साथ जो है ना मैंने इमली का पेस्ट भी बना लिया। तो बस सारी चीज़ें मिक्स की और चाट मसाला वगैरह डाला, तो हमारी चाट जो है ना वो तैयार हो गई। चटपटे कराने छोले गरम मसालेदार। तो चाट वगैरह खा के जो है ना अब खाना भी बनाना था, तो खाने बनाने के लिए जो है ना मैंने सब्ज़ी लेने आई हूँ बाहर। तो सब्ज़ी लेने आई तो बाहर जो है ना वो पहले ही से ही बकरे वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा दिन पड़े ईद को, लेकिन अभी से ही जो है ना ये इन्होंने बकरा मंडी वगैरह लगाई हुई है, और इतना ज़्यादा रश था ना, और रश के साथ साथ जो है ना इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो बस ये शाल तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी बकरे वगैरह देख के। तो रास्ते में से फूल लेने थे वो लिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की जो है ना दो औरतें उम्र पर गई हुई थी, वो आ गई।
तो उनके लिए जो है ना वो फूल लेने थे वो लिए, और ये तस्वीर खजूर और पानी उनके घर से आया था, तो बस सब्जी वगैरह लेके हम घर आ गए। लाइट भी हमारी जो है ना वो जा चुकी है, आटा भी गूंद लिया, भिंडियाँ भी धो ली, और प्याज भी जो है ना मैंने काट लिया, और ये फूल जो है ना ये ख़राब हो रहे हैं। पहले ये फूल जो है ना ये बनाने जा रही हूँ, आपने भी आना है, आ जाओ फिर जल्दी, ये फूल ना मुरझा रहे हैं। कौन ही बनाऊँ, कौन चलो मैं हो के भी आ गई, मैंने भिंडी ही नहीं काटी, मैंने कहा था भिंडी काट लेना, भिंडी जो ना सारी धो ली है मैंने, घी भी रख दिया गर्म होने के लिए, ये जो ना मैंने लदा कर लिया। नीचे उतरो, नीचे उतर जाओगी। तो भिंडियाँ जो है ना हमारी फ्राई हो रही है, साथ साथ मैं लहसुन कूट रही हूँ। तो प्याज और भिंडियाँ फ्राई होगी, मैंने इनको भी जो है ना साथ ही जो है ना मैंने सारा मसाला भी बना लिया इनका। तो टमाटर जो है ना हमारे अच्छी तरह से भून रहे हैं, इसमें जो है ना हम दही डालने लगी, मसाला जो है ना अच्छी तरह से भून गया, अब मैं डाल लूँगी इसमें भिंडी और प्याज। रोटी भी तकरीबन जो है वो बन गई है, शाल खा रही है, शाल ही तो देखो अच्छी लगी बननी है, सारा मसाला ऊपर डाली रोटी के, हाँ मेरे ठंडे हो गया गर्म बहुत। तो आज जो है ना खाना बनाने में देर होगी, क्योंकि मैं चली गई थी मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले की जो है ना वो दो औरतें आई हुई थी उमरा करके, तो फूल जो है ना रास्ते में से ही ले थी, तो जिसकी वजह से ना मुझे जाना पड़ा, अगर फूल ना लेके आई होती तो शायद मैं ना जाती, क्योंकि वो औरतें जो है ना वो चार पाँच दिन से आई हुई हैं, लेकिन अब उनका पैगाम भी आ गया था हम आए हैं तो आप ना आके हमसे मिल जाएँ, तो जिसकी वजह से ना मैं फूल ले आई थी तो मुझे जाना पड़ा। तो लेकिन इनको जो है ना मैं कह के गई थी कि मैं सब्ज़ी वगैरह धो के जा रही हूँ, आप ना भिंडी काट लेना, लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो सब्ज़ी जो है ना वैसे ही बड़ी हुई है, ये अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, तो बस मैंने इनसे पूछा कि क्यों नहीं काटी, तो ये कह रही है कि बस हमें ना स्कूल में से इतना ज़्यादा काम मिला अभी तक याद ही नहीं हुआ, तो बस अब क्या करें, टेंथ क्लास है, काम भी जो है ना इतना ज़्यादा टीचर दे देती हैं कि बस ये याद करके आना, और बस ये उस पूरा दिन पढ़ाई में ही मसरूफ़ है, स्कूल से आते साथ ही बस बैग जो है ना अभी यूनिफॉर्म भी नहीं उतारती आमना, तो नीचे ही चली जाती है पढ़ने के लिए, तो बस मैं इनको कहती भी नहीं हूँ, बस चंद दिन ही पढ़ाई के होते हैं उसके बाद फिर घर के काम ही करने, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी है, कम अज़ कम मैं कह के गई थी भिंडियाँ तो काट के रखती लेकिन नहीं काटी, बस आके जो है ना मैं देखा ज़ैनब और इशार को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बस बहुत ज़्यादा तंग भी किया, लेकिन फिर जल्दी जल्दी से खाना बना के इनको जो है ना फिर मैंने खिलाया। तो बस अभी जो है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई आजकल, लेकिन मौसम जो है ना काफ़ी बादल भी आए थे, लेकिन आंधी तो आई है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आई है, तो आजकल तो बस ऐसे ही है, पूरा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और रात को अचानक से आंधी आती है, और आंधी के साथ जो है ना मिट्टी आती है, जिसकी वजह से ना पूरा दिन जो सफाई वगैरह की होती है ना वो मिट्टी से दोबारा से फिर घर जो है ना ऐसा हो जाता है कि कभी सफाई ही नहीं की। तो इसी के साथ ही फिर अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ, उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।